नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल मिशन गुड हेल्थ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी या टर्मरिक के गुणों के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से ये हमारी हेल्थ के लिए हितकारी और लाभकारी हो सकता है। टर्मरिक या हल्दी ये एक ऐसा मसाला है जो हर भारतीय किचन में पाया जाता है और यह अपने औषधीय गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक अत्यंत ही रोचक विषय बन चुका है। साथियों, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर, अनिद्रा जैसी भयंकर बीमारियों की रोकथाम के लिए हल्दी के गुणों पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं और इससे होने वाले लाभ को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हल्दी से होने वाले लाभ और इसमें पाए जाने वाले मुख्य यौगिक कर्क्यूमिन के विषय में हम आपसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हल्दी के गुणों से हम स्वयं एवं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप हल्दी को दूध के साथ या टर्मरिक टी के रूप में अपने जीवन का एक हिस्सा जरूर बनाएं। तो साथी, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हल्दी से होने वाले कुछ खास लाभों के विषय में। नंबर एक, हल्दी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और उसे बहुत मजबूत कर देती है। हल्दी के दूध के सेवन से हमें सीजनल कोल्ड, फ्लू, कफ होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है और शरीर के इन हिस्सों को मजबूत करती है ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे। त्वचा संबंधी अनेक समस्याओं के लिए भी हल्दी का सेवन फायदेमंद रहता है। स्किन ट्रीटमेंट के लिए इसका आजकल काफी इस्तेमाल होने लगा है और इसके लेप त्वचा को सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। अब साथियों, जानते ही होंगे कि शादी से पूर्व हल्दी की जो रस्म होती है वो भी दूल्हा दुल्हन को स्किन को उनके स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए की जाती है। इस महत्व को आप भली बात ही समझते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारी भी हल्दी के सेवन से काफी हद तक सही हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बढ़ती उम्र में याददाश्त कमजोर होने लगती है और हल्दी के लगातार सेवन से इस स्थिति पर हम काफी हद तक काबू कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए यानी हृदय रोगियों के लिए भी हल्दी का सेवन किसी दवा से कम नहीं है और इस पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं कि रात को सोने से पहले हल्दी का दूध लेने से हृदय रोगियों को अधिक लाभ होता है। एक अध्ययन के अनुसार इसके लगातार सेवन से धमनियों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में काफी कमी आ जाती है और हृदय रोगियों के लिए काफी आराम का विषय है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इसके सेवन से मुंह की बदबू को बहुत सीमा तक कम किया जा सकता है। जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए हल्दी प्राचीन काल से ही इस्तेमाल की जाती रही है और हमारे प्राचीन वैद्य और हकीम लोग इसे लगातार प्रेस्क्राइब करते रहे हैं। जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी एक अचूक और एक रामबाण इलाज है। साथियों, हल्दी से मिलने वाले लाभों की सूची काफी लंबी है, लेकिन संक्षेप में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने अपनी प्राचीन पद्धति को पीछे छोड़ दिया है और आज जब यूरोपियन और अमरीकी वैज्ञानिक इसके अध्ययन से संसार को चकित कर रहे हैं तो यह उचित समय है कि हम भी
इस प्राचीन पद्धति को अपनाएं और स्वस्थ लाभ लें। तो साथियों, ये थी जानकारी हल्दी के विषय में। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।